हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल बेसिक्स आपको बताऊंगा, जो आपके CHSL के अंदर भी काम आएंगे, MTS के अंदर भी, और जो टीचिंग एग्जाम्स के अंदर जो क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड आता है उसमें, और CGL के लिए भी, ठीक है। यानी कि आज आपका पेज तैयार हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप प्रॉफिट एंड लॉस का समझोगे, कोई भी कंसेप्ट मैं आपको जो समझाऊंगा उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल बेसिक्स आपको बताता हूँ। देखो, ये तो आप सबको पता है कि जो CP होता है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, 100%। आज के बाद आप याद रखना, किसी भी वस्तु की CP को आप हमेशा क्या मानोगे, 100% मानोगे, ठीक है। अगर मान लो मैं कहूँ कि मैंने इसको 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, तो बताओ SP कितनी होगी। SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP प्लस में प्रॉफिट, ये तो सभी बच्चों को सिखाया जाता है। तो अपनी ये क्या आ जाएगी, 120%। अब हम क्या करेंगे, परसेंट के ऊपर काम करेंगे, यानी कि 100% पे हम किसी चीज़ को खरीद के लेके आई और 20% हमने उसको प्रॉफिट पे बेचा, तो टोटल SP कितना हो गया, 120% हो गया ना। टोटल SP कितना हो गया, 120%। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो हमारी किसी वस्तु की CP है 5000 और हमने उसको प्रॉफिट पे बेचा 15% के, 15% के क्या बेच दिया प्रॉफिट पे, तो कहता है SP बताओ। तो इसका एक तरीका तो क्या है, देखो 15% का प्रॉफिट यानी कि SP कितनी होगी आपकी, 115% होगी। 115% किसकी निकलेगी, CP की तो निकलेगी ना। कोई भी जो परसेंटेज निकाली जाती है वो बेस वैल्यू की निकाली जाती है, ठीक है। 115% निकाल दो आप किसकी, 5000 की। तो 5000 की 115% कैसे निकालोगे, 115 गुणा में 50 हो जाएगी। 115 को 50 से क्या कर देना, गुणा कर देना आप। 115 को इसको 5 को 5 से करोगे और ये 5750, 5750 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, SP हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है। मैं सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ, जिसमें आपको क्या है, SP गिवन होगी। आपको कहा जाएगा कि SP है आपकी 24000 रुपये और प्रॉफिट हुआ है आपको 20% का, तो आप CP बताओ। इसमें क्या है, क्वेश्चन रिवर्स पूछ लिया, ठीक है। हमारे को SP गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, CP बतानी है। आप मुझे बताओ, जब प्रॉफिट 20% होगा, CP कितनी होती है अपनी, 100% होती है ना। प्रॉफिट अगर 20% है तो आप बताओ SP कितनी होनी चाहिए, 120%। SP तो कोई भी बच्चा बता देगा कि 120% होनी चाहिए। अच्छा, इस 120% की वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 24000 रुपये, आपको पूछी क्या है CP, और CP कितनी होती है, मैंने बताया था आपको 100%। तो यानी आपको 120% की वैल्यू कोई बता दे और 100% की वैल्यू पूछ ले तो बहुत आसान है ना। तो कितनी हो जाएगी, 20000 रुपये। ये क्या है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल बेसिक्स है, जो हम आगे आने वाले हर क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर काम करेंगे हम सारा। देखो, मैं एक थर्ड एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ, मैंने एक वस्तु को बेचा कितने में, 8000 रुपये में। 8000 रुपये में बेच दिया और मेरे को लॉस हो गया 25% का, लॉस हो गया 25% का, तो बताओ CP कितनी हुई, तो बताओ CP कितनी हुई। आप कहोगे अगर लॉस आपने 25% का कमाया है तो आपका जो SP होगा ना वो क्या होगा, 100 माइनस 25, यानी कि 75% होगा। कितना होगा, 75%, और 75% की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 8000, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 को 75 से डिवाइड कर दो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3, 4, तो कितने आ जाएगी आपकी, 32000 डिवाइड बाय 3, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस चाहे फ्रैक्शन में है चाहे पॉइंट में है, उससे कोई मतलब थोड़े है, हमें तो अपने कंसेप्ट पे रहना है। तो अगर लॉस कितना हुआ है, 25% का हुआ है, तो यानी SP कितनी है आपकी, 75%, और SP ही तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे पूछे क्या, CP, तो CP कितनी हो जाएगी अपनी, 32000 अपॉन में 3। तो ये परसेंटेज के, ये प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्या है आपके बेसिक कंसेप्ट थे। तो मैं इस पे 7-8 क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जो बिल्कुल बेसिक पे आपके जो है ना डिपेंड है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये बेसिक क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें है बेसिक क्वेश्चन, टाइप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है, राकेश बायज ए वॉच फॉर ₹1200। इसने 1200 रुपये की घड़ी खरीदी, फॉर हाउ मच रुपीज शुड ही सेल द वॉच टू अर्न 25% प्रॉफिट। उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो 25% का प्रॉफिट कमाना है तो बताओ SP कितनी होगी, 125% होगी। 125% किसका, 1200 रुपये का।
यानी कि आप सीधा कह सकते हो कि 1200 रुपये में तो बेचे ही बेचेगा और 25% ऊपर। अब 1200 का 25% कितना होता है बताओ, 300 रुपये, तो 125% टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1500 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चाहो तो आप इसको इस तरीके से कर लो कि डायरेक्ट 1200 रुपये का क्या निकाल दो, 125% निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। देखो 25% प्रॉफिट कमाना है, 25% का प्रॉफिट सब जानते हैं कितना होता है, 1/4। 1/4 का मतलब होता है, आप आज के बाद ध्यान रखना, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया हमने, ठीक है, आगे बहुत एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, लेकिन ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होएगी। ये क्या होता है आपका सीपी होता है ना, और ये क्या होता है आपका प्रॉफिट। भाई 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है अगर आपने कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदी है तो उस पर 1 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, समझ गए। तो ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। तो बताओ सीपी और एसपी में रेशियो क्या हो गया, 4 रुपये की आपने चीज़ खरीदी, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो एसपी कितनी होगी, 5। आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, 1200, यानी कि 4 की वैल्यू 1200 गिवन है, तो ये कितने गुना होगी, 300 गुना होगी। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1500, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है, तरीका चाहे कोई भी यूज कर लो, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये ओरल क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको एग्जाम के अंदर ओरली कर सकते हो। 25% सब बच्चों को पता है कि इसका 25% कितना होता है, 300 रुपये, तो 1200 प्लस 300 क्या हो जाएगा, 1500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चाहे कैसे भी कर लेना। इसमें कहता है ए पर्सन बायज एन आइटम फॉर रुपीज 240, 240 रुपये में इसने क्या की, बाय करी, मतलब ये सीपी है इसका, और सीपी का मतलब क्या होता है, हमेशा 100% होता है, कितना, 240। इफ़ सेलिंग द आइटम फॉर रुपीज एक्स रुपये में इसने उस आइटम को बेच दिया जिसके कारण उसको लॉस हुआ कितने का, 15% का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये इसने पूछा अपने से कि 15% का हमारे को लॉस हो गया, तो बताओ हमने उसको कितने रुपए में बेचा। तो मैंने अभी तो आपको बताया था कि 100% में खरीदोगे और 15% का लॉस होएगा, तो एसपी कितना होएगा बताओ आपका, 85%, कितना होएगा आपका बच्चों, 85%, और 85% किसका, 240 का, 240 का 85% तो कोई भी निकाल सकता है ना, इनटू में 240, ये आप 5 पे काट दो, ये 2 पे कट जाएगा, ये 12 पे कट जाएगा, तो 17 × 12 ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा, ठीक है, 8 204, ये कितना आपका, 204 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15% का आपका लॉस हो गया। और वैसे भी आप देख सकते हो 240 का 15% कितना होता है, मेरे को बताओ, 240 का 15%, आप कहोगे 10% तो होता है 24, और 5% फिर कितना हो जाएगा, 12, 36 रुपये का क्या हो गया लॉस, 240 में से 36 घटा दो, 204 रुपये आपका क्या होगा, एसपी हो गया, ठीक है। तो ये ओरल क्वेश्चन होते हैं जो 6th-7th क्लास के अंदर क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ये वैसे क्वेश्चन है, ठीक है, बस मैं आपको तरीका इसका ईजी बता रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या कहता है, राम बाइज ए, इसमें है राम बाइज ए मोबाइल फॉर 4800, 4800 में उसने मोबाइल खरीदा और 5400 रुपये में बेच दिया, प्रॉफिट परसेंट बताओ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आपने 4800 रुपये की चीज़ को 5400 रुपये में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को बताओ, 600 रुपये का, 600 का प्रॉफिट हुआ, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या आती है, नीचे आती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, इनटू में 100, तो ये तो क्लियर दिख रहा है अपने को, 1/8, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 12.5%, है ना, परसेंटेज हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1.1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%, तो 12.5% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा आपका। इसमें देखो क्या कहता है, ए पर्सन बायज एन आइटम 4 रुपीज़ 450, 450 रुपये में बाय करी और 500 में बेच दी, प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट बताना है, यानी कि तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये का, सीपी कितनी, 450, यानी कि कितना आ गया, 1/9, और 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 11 and 1/9%, 11 and 1/9%, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहते हैं, रवि सेल्स, अब की बार सेल्स है, ये ध्यान से पढ़ना है, रवि सेल्स एन आइटम 4 रुपीज़ 810, इसने 810 रुपये में कोई चीज़ बेची है और लॉस हुआ है इसको कितना, 20% का, 20% का क्या हुआ लॉस, तो आपको परचेज प्राइस निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%, अगर आपने 20% का आपको लॉस हुआ है तो सेल कितने में किया होगा आपने, 80% में, यानी कि आपको 80% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 810, और आपको निकालना क्या है, 100% की वैल्यू, तो बताओ कितना आसानी से निकाल सकते हो, 810 को 80 से डिवाइड कर दो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 पे कट जाएगा, ये 5 पे कटेगा, और ये आप क्या कर दो, 2 बार काट दो, 405, तो ये आपका कितना आएगा, 2025 को 2 से भाग कर दो, यानी कि 1012.5, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। इसमें देखो क्या कहता है,
ए शॉपकीपर सेल्स ए चार्जर ₹4.155। आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये क्या है ना, सेल करता है ये एक चार्जर को ₹155 में और प्रॉफिट कमाता है कितना, 24% का। तो आपको निकालना क्या है, परचेज प्राइस यानी कि CP, और CP कितना होता है आपका, 100% होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है बच्चों, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट 24% का हुआ तो SP कितना हुआ होगा, 124%। SP कितना हुआ, 124%। तो आपको 124% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 155, और आपको निकालनी क्या है, 100 की। तो बताओ, 100% की वैल्यू तो कोई भी निकाल देगा ना, 124 से भाग कर दो और इसको क्या कर दो आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 31 पे कट रहा है, 31 चार बार कटेगा, ये पांच बार कटेगा, और ये 25, तो 25 को 5 से गुणा करोगे, ₹125। तो ₹125 बच्चों क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका CP आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बाय सेलिंग ए TV ₹4.16,000। ये ध्यान रखना होता है कि ये क्या है ना, सेलिंग प्राइस है ये। 16,000 में आपने TV को बेचा, शॉपकीपर को 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, शॉपकीपर को 20% का लॉस हुआ। तो मुझे बता दो, ये जो 16,000 है ये कितने की वैल्यू है। आप कहोगे सर 20% का लॉस है, मतलब 80% में बेचा होगा, और 80% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 16,000। हो गया यहाँ तक। फिर कहता है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। अब वो 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो मुझे बताओ 15% का प्रॉफिट का मतलब SP कितना होना चाहिए फिर इसका, 115%। तो आपको बताना है, देन एट व्हाट प्राइस ही विल हैव टू सेल द TV, उसको उस TV को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में 80% की वैल्यू गिवन है और 115% की निकालनी है। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना, तो क्या करो आप, इसको 80 से डिवाइड कर दो और 115 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये 82 जा यानी कि 2000, ये 82 जा और ये कितने पे कटेगा आपका, 200 पे कटेगा, है ना। और 200 को 15 से करोगे तो कितना आएगा, 230, और फिर 20 लग जाएगी यानी कि ₹23,000। तो आपको इस टीवी को ₹23,000 में बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आइटम ₹4.3500, यानी कि उसने ₹3500 में बेची है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो मुझे बताओ, ये जो ₹3500 है ये कितने की वैल्यू है, 125% की, और वो क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू अर्न 33% प्रॉफिट। अब उसको चाहिए 33% का प्रॉफिट, यानी कि उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 133 में। तो अब बताओ, 3500 को 125 से भाग कर दो और 133 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 25 पे काट दो सीधा, है ना। ये पांच बार कट जाएगा और ये आपका एक बार कटेगा और ये आपका 28 से कट जाएगा, है ना। आंसर कितना आएगा आपका, 28 गुना में 133, इसको सोल्व कर लेना और यही आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। इसमें देखो क्या कहता है, सेलिंग एन आइटम ₹4.800 में किसी आइटम को आपने बेचा और आपको लॉस हुआ कितना, X% का। अब की बार ये नहीं पता हमारे को कितने परसेंट का लॉस हुआ, लेकिन लॉस हुआ है ये कह रखा है। सेलिंग द सेम आइटम फॉर 1015, अगर आप उस आइटम को ₹1015 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है कितने का, 16% का। तो कहता है एक्स की वैल्यू बताओ, यानी कि आपको स्टार्टिंग के केस में कितना लॉस हुआ था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ₹1015 क्या है, SP है, कितनी SP है बताओ मेरे को, जब 16% प्रॉफिट होता है तो मतलब ये किसकी वैल्यू है बताओ, 116% की वैल्यू है। मैं कहता हूँ ₹1015 कितने हैं, 116% है। अगर आप मेरे को ये बता दो कि इसके हिसाब से ₹840 कितने परसेंट होंगे, तो बताओ मैं नहीं निकाल सकता क्या एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मान लो ₹840 इक्वल हुए आपके 80% के, 80% के इक्वल हुए, इसका मतलब आपको 80% पैसा मिल रहा है सिर्फ, यानी 20% का क्या हो गया, लॉस। जैसे यहाँ पे देखो 116% लिखने का मतलब क्या होता है, 100% तो क्या है आपकी CP, और बाकी 16% जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, SP। ठीक है, यही तो है। तो आप 115 से 840 की वैल्यू तो आप 6th क्लास में ही निकालना सीख जाते हैं भाई, 116 को 1015 से भाग कर दो और 840 से क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 पे काट दो, 5 पे काटोगे तो ये आपका 5 एक बार कटेगा और ये 6 बार और ये 8 बार, है ना। अब कितने पे कट जाएगा, ये देखो आपका 31 पे कटना चाहिए ये, अगर हम इसको 31 पे काटें तो ये 31 के टेबल में जाते हैं ना, 31 पे नहीं कटेगा, सॉरी ये आपको ये देखना पड़ेगा, 31 पे नहीं कटेगा, ये 29 पे कटेगा, ये 29 चार बार कटता है और ये 29 कितने पे कट जाएगा आपका, 7 बार कट जाएगा, है ना, ये कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 7 है, 7 2 जा और 7 4 जा, तो आंसर कितना आ गया आपका, 96, यानी कि
840 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 96% है। तो मुझे बताओ 96% का मतलब क्या होता है आपका, 4% का लॉस होता है। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, x परसेंट का लॉस है, तो x परसेंट ही 4% है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको 116% की वैल्यू दे रखी है, यानी 1015 रुपये 116% के इक्वल है। तो कहता है बताओ 840 रुपये कितने परसेंट के इक्वल होंगे, तो हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे कि ये तो 96% के इक्वल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है, कविता मेक्स ए लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹380, यानी कि वो अगर 380 में किसी बुक को बेचती है तो उसको 5% का लॉस होता है। तो मुझे बताओ SP कितना होगा फिर, 95% होगा। भाई लॉस होने का मतलब क्या है, 100 में से घटा दिया करो, ठीक है। अब ये क्या चाहती है, देखो इफ़ सी सेल्स द बुक फॉर ₹468, अब अगर ये 468 में बेच दे तो बताओ इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, ठीक है। आपको 95% की वैल्यू 380 दे रखी है और आपसे पूछा है कि 468 में हम बेचें तो कितने परसेंट में बिकेगा, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करो, 380 की वैल्यू कितनी है, 95%, और आपसे पूछे कितने की गई है, 468 की। तो कैसे करोगे, इसको 380 से भाग करो और 468 से मल्टीप्लाई, मेरे को दिख रहा है 19 पे कट जाएगा, 19 पाँच बार और ये 20 बार, ये 4 बार और ये 4 और ये 17, तो 117%। यानी कि आपको अगर 468 रुपये में आप इस वस्तु को बेचते हो तो आपको 117% पैसा मिलता है। 117% मिलने का मतलब होता है 17% क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। कभी भी ये मत समझ लेना कि 117% का प्रॉफिट होता है, 117% पैसा मिलता है जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था। तो 100% तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना, कॉस्ट प्राइस होती है, तो बाकी एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या होगा, अपना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल पे थे, जिससे आपको प्रॉफिट लॉस के कुछ फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि छोटे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हम ओरली कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे को, अगर आप लोग CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें कहता है कि द सेलिंग एन आइटम फॉर ₹300 कंपेयर टू ₹400 मेक्स 5% मोर लॉस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पहले किसी वस्तु को 400 में बेचते थे, ठीक है, और आपको कुछ लॉस होता था, अब 400 की बजाय उसने आपको कितने बेच दिया, 300 रुपये में, तो कहता है 5% का लॉस ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्लियर है कि जो 5% की वैल्यू है ना वो कितनी है, 400 में से 300 घटा दो यानी कि 100। कहने का मतलब ये है कि 400 की जगह आप 300 में बेचते हो, मतलब 100 रुपये कम में अगर आप बेचते हो तो उसकी वजह से आपको 5% का नुकसान होता है। तो 5% की वैल्यू तो कितनी है, 100 है। स्टेट द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम, मुझे बता दो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 20। परचेज प्राइस कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2000। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये कहे कि किसी वस्तु को 800 रुपये की बजाय, 800 रुपये की बजाय अगर 500 में बेचा जाए, 500 में बेचा जाए तो पहले से 10% ज़्यादा लॉस होता है, पहले से 10% ज़्यादा लॉस होता है, तो इसकी CP बताओ कितनी है, CP बता दो। तो देखो आप कहोगे 800 से 500 में बेचा आपने, यानी 300 रुपये कम कर दिए, 300 रुपये क्या कर दिए आपने, कम कर दिए, और वो कम होने की वजह से आपको लॉस हो गया कितना, 10% का। तो 10% की वैल्यू ही तो 300 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3000। और यही क्या होता है आपका, CP। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ओरली करने आने चाहिए कि 5% की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 20, 100 की वैल्यू कितनी, 2000। क्वेश्चन खत्म। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बॉल इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, एक बॉल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। इफ़ दैट बॉल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, लेकिन कहता है अगले दिन उसको हमने 15% प्रॉफिट की बजाय अगर 5% लॉस पे बेचा, देन इट वुड हैव रिसीव्ड 10 रुपीज लेस, तो हमारे को 10 रुपये कम मिलते, क्योंकि देखो पहले 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, अब 5% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है पहले की अपेक्षा पैसे तो कम ही मिलेंगे हमारे को। कितने पैसे कम मिलेंगे, 10 रुपये कम मिलेंगे आपको, परचेज प्राइस यानी कि CP बतानी है, और CP कितनी होती है, 100%। आप बस मेरे को ये बता दो, पहले प्रॉफिट होता था 15% का, अब लॉस होता है 5% का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, कोई बच्चा देखते ही बता देगा कि डिफरेंस कितने का है, 10 का, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये प्रॉफिट है। आप एक बार तो 15 रुपये कमा रहे हो,
और एक बार आप 5 रुपये लॉस लॉस में जा रहे हो तो बताओ क्या डिफरेंस 10 का होगा? आप कहोगे 10 का नहीं होगा, डिफरेंस कितने का होगा? 20 का। आप ऐसे समझ लो, प्रॉफिट 15% का मतलब क्या है? एसपी आपकी कितनी है? 115%। लॉस 5% का मतलब क्या है? एसपी आपकी कितनी है? 95%। तो मुझे बताओ 115 और 95 में कितने का डिफरेंस होता है, 10 का या 20 का? आप कहोगे 20 का, है ना। तो ध्यान रखना है, अगर दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट हो, मान लो यहाँ प्रॉफिट होता है 20% का, यहाँ होता है 35% का, तो इनमें डिफरेंस कितना आएगा? 15% का, है ना। दोनों लॉस लॉस हो, यहाँ 20% का, यहाँ 17% का, तो माइनस करना है कितने का डिफरेंस आएगा? 3 का। लेकिन एक प्रॉफिट और एक लॉस हो, यहाँ 20% का और यहाँ 8% का, तो दोनों को क्या करना है? आपको ऐड करना है। क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है ये दोनों के अंदर। तो 20% और 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको? 10। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना कर दो तो कितना आ गया? 50 रुपये। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट मैं आपको यही समझाना चाहता था कि एक जगह प्रॉफिट होता हो और एक जगह लॉस होता हो तो दोनों में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? उन दोनों का एडिशन आएगा, ठीक है, ना कि सब्ट्रैक्शन। बस इसके अलावा क्वेश्चन ओरल था ये। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस पूछे तो कॉस्ट प्राइस का मतलब समझ जाया करो। अब क्या पूछा गया आपसे? 100% की वैल्यू पूछी है, ठीक है, 100% ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। जब परसेंटेज की वैल्यू पॉइंटों में आ जाए, जैसे मान लो 12.5% प्रॉफिट है, इसका मतलब मेरे को बताओ क्या होता है? आप कहोगे सर 1/8, और 1/8 प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या होता है? अगर आपकी सीपी 8 रुपये है तो आपकी एसपी कितनी होगी? 9। यानी कि 8 रुपये तो क्या होती है? सीपी, और ये 1 रुपये क्या होता है? प्रॉफिट। तो बताओ एसपी कितनी होगी? 9 होगी, बिल्कुल होगी। अब एसपी तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो आपको क्या गिवन है? एसपी सेलिंग प्राइस गिवन है ना, सोल्ड। तो ये कितनी है आपको? 630, यानी कि 70 टाइम्स है। इसका भी 70 टाइम कितना हो जाएगा आपका? 560 रुपये। और आपसे क्या पूछी है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 560 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज दिस एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। वही क्वेश्चन आ गया, 16 and 2/3% का मतलब क्या होता है? पहले बताओ 1/6, इसका मतलब 6 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपया क्या है आपका? प्रॉफिट है। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया बताओ? 6 और 7 का आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको दे रखा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज, यानी कि एसपी दे रखा है आपको 1470 रुपये। तो कितना आ गया ये? 210 आ गया, और इसको 210 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 21 का कितना होता है आपका? 126, यानी कि 1260 रुपये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये। तो देखो, तो ये थे आपके टाइप 1 के 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, जो आपके जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो CHSL हो, CGL प्री हो, चाहे आपका MTS हो, या बाकी जो स्टेट PGT के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आजकल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेशन पूछा जाता है, ठीक है, और DSSB के अंदर पूछा जाता है, तो उस लेवल के क्वेश्चन जो है ना आप इजीली अब कर लोगे, ठीक है। बट मैं नहीं कहता कि वो ख़त्म होगी चीज़ें, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो प्रॉफिट लॉस को आप पढ़ते रहो, हर चीज़ आपको समझ आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसमें आपको कहता है व्हेन द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज़ गिवन। आपको कोई ये कह दे कि किसी वस्तु की सीपी जो है ना 2 रुपये है, और एसपी उसकी, सॉरी, एसपी 2 रुपये है और सीपी मान लो कितनी है आपकी? 1 रुपये है, ठीक है। आप बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? होगा तो प्रॉफिट, क्योंकि सीपी कम है और एसपी क्या है? ज़्यादा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? मुझे एक बात पता है सीधी सीधी, प्रॉफिट पहले तो आप प्रॉफिट रुपये में निकालो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 2 रुपये में से 1 रुपया घटा दो, कितने आ गए? 1। 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो छोटी क्लासों में बच्चे को प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला समझाया जाता है, क्या? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, सीपी कितनी है आपकी? सीपी भी कितनी है? 1 रुपया इंटू 100, तो यानी कि आप 100% प्रॉफिट कमा रहे हो। 100% प्रॉफिट कमाने का बच्चों मतलब क्या होता है कि आप अगर 20 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लेके आ रहे हो तो उस पर 20 रुपये का ही प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब बेच कितने में रहे हो उसको? 40 में बेच रहे हो, ठीक है, तो ये मतलब है। तो जब भी आपको सीपी और एसपी का रेशियो दे देना तो हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, बस इतनी सी कहानी है इसके अंदर। जैसे मान लो आपको कहे सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी आपको कह दे कि 3/4 है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। आपको तो परसेंटेज कंपेरेटिव वैल्यू निकालनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो सीपी कितनी है? 3,
एसपी कितनी है 4, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ 1। अच्छा प्रॉफिट अपॉन में हमेशा ध्यान रखना सीपी लिखते हैं, जब तक स्पेशली कहा न जाए आपको तब तक अपनी मर्जी से हम क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। अगर एसपी लिखती तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एसपी के बारे में अगर कहा जाए कि एसपी के ऊपर प्रॉफिट निकालो तब हम नीचे क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। वैसे वैसे क्वेश्चन आगे बहुत करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कितना आएगा आपका 33 and 1/3%, ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो मैं यही कह रखा, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो कोई बता देना तो आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ। देखो आपको, इफ़ द रेशियो ऑफ दी परचेज प्राइस, ये ध्यान से आपको पढ़ना है कि पहले एसपी है कि पहले सीपी है, तो पहले परचेज प्राइस यानी सीपी एंड सेलिंग प्राइस यानी एसपी वो 20:23 है। तो कहने का मतलब है सीपी बाय एसपी जो है ना 20:23 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 23 में, तो क्या प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते, कितना आ गया 3 रुपये का प्रॉफिट आ गया, कितने पे 20 पे इंटू 100, तो इंटू क्या आ गया 100, तो कितना आ जाएगा आपका 15%। तो आप 15% का प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ़ द परचेजिंग प्राइस ऑफ एन ऑफ ए वॉच इज 5/7 times ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी आपको जो जो क्वेश्चन में गिवन है ना वैसे लिखते जाओ। परचेजिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी। सीपी इक्वल है किसके, 5/7 ऑफ एसपी। तो मैंने कहा आप सीपी बाय एसपी निकाल लिया करो, बस बाकी बातें बाद की है, ठीक है। 5/7 आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी कि 5 की चीज़ आपने कितने में बेच दी, 7 में, कितने का प्रॉफिट कमा लिया 2 का, तो यानी कि 2/5 × 100, तो कितना आ गया 40%। और ये तो आप ओरल देख के बता सकते हो कि 5 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट कितना होता है आपका, 40% ही तो होता है। आप सीधा किया करो ना, 5 की चीज़ 7 में, ये होती है सीपी, ये होती है एसपी। आप कोशिश किया करो कि अगर ये 100 बनती है तो इसको 100 बना लो। आप कहते हो कि 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कहता हूँ फिर इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 की चीज़ 140 में बेच रहे हो, तो 40% क्या हो रहा है बच्चों, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 40% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये अब अच्छे क्वेश्चन है, 3-4 लगातार मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, अब बिल्कुल बेसिक मेथड से कराऊंगा। द परचेज प्राइस ऑफ 36 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पेन। आपको कह रखा है कि 36 पेन की जो सीपी है ना वो 30 पेन की एसपी के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट बता दो। आपको जो इक्वेशन गिवन है ना वैसी की वैसी लिख दो बिल्कुल। देखो 36 पेन का क्या परचेज प्राइस, परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों, सीपी। 30 पेन, इसका क्या एसपी, इसका क्या एसपी, बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन। आपको तो क्या चाहिए, सीपी अपन एसपी चाहिए ना, तो कितना हो गया 30/36, 6 पे काट दो 5/6, यानी कि 5 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 6 में, 5 का सामान 6 में बेच रहे हो, इसको 100 बना लो आप, 100 का सामान कितने में बेच रहे हो, 120 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 20% का। ये तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना कि 5 का सामान अगर 6 में आप बेच रहे हो तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा आपका, 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। इसमें भी ऐसा ही है, द सेलिंग प्राइस, ये ध्यान से पढ़ना होता है आपको, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम यानी कि 16 एसपी है ना, यही होता है, इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 12 आइटम यानी कि 12 सीपी। दे रखा है आपको, आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी आपको अब ये नहीं बता रखा कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, आपको निकालना है। मैंने कह रखा है आपको आप सीपी और एसपी का रेशियो तो निकालो एक बार, है ना। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12 सीपी इक्वल टू 16 एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, 16/12 आ गया, 16/12, 4 पे काट दो, 4 4 जा 4 3 जा, कहने का मतलब अब की बार आपने 4 का सामान कितने में बेच दिया, 3 में, मैं इसको 100 बना सकता हूँ, 125 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 का सामान आपने 75 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लॉस हो गया आपको, 25% का, ठीक है। तो ये क्या होएगा आपका, लॉस होएगा कितना, 25% का। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा ये है, द परचेज प्राइस ऑफ एक्स बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स, बिल्कुल एज इट इज लिख दो। वहाँ पे 10 बुक थी, यहाँ पे एक्स बुक है, एक्स बुक का परचेज प्राइस, परचेज प्राइस यानी कि सीपी, वो किसके इक्वल है बताओ, 10 बुक्स के सेलिंग प्राइस के, यानी कि 10 एसपी। मैंने आपको क्या कह रखा है, आप सीपी अपॉन एसपी निकाल लिया करो, ठीक है। बाकी सब बातें बाद की है, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, 10/x आ गया, इजीली निकाल सकते हो। और कहता है प्रॉफिट कितना हुआ, 50% का। अब आप मुझे बता दो, प्रॉफिट अगर 50% का है तो इसका क्या मतलब है कि सीपी अगर 100% है तो प्रॉफिट कितना आपका, ये सॉरी एसपी कितनी है फिर आपकी, 150%, यानी कि 2:3 आ गया। तो सीपी अपॉन एसपी अपना कितना आया, 10/x, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपने को, 2/3, तो दोनों चीज़ें क्या होएगी, इक्वल होएगी। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, एक्स का आंसर बताना था, एक्स का मान कितना आ गया आपका 15। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सी पी अपन एस पी निकालो, एक सी पी अपन एस पी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया तो आप सी पी और एस पी का रेशियो तो निकाल ही सकते हो ना, और दोनों रेशियो को क्या कर दो, इक्वेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है पीछे वाला, द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स टेबल्स, तो बताओ एक्स इंटू एस पी, एक्स टेबल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द परचेजिंग प्राइस ऑफ तीन टेबल, तो तीन सी पी, मैंने कह रखा है आप क्या निकाल लिया करो, सी पी अपॉन एस पी निकाल लिया करो बस। तो क्या आ गया आपका, सी पी अपॉन में एस पी इक्वल टू एक्स बाय थ्री आ जाएगा, नो डाउट। इफ़ द लॉस इज 40%, अब की बार क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस का मतलब क्या हुआ बताओ, अगर सी पी 100% है तो एस पी कितनी होगी बताओ, 60% होगी, इसको 20 पे काट दो, यानी कि सी पी और एस पी का रेशियो कितना है आपका 5:3, और हमारा कितना यहाँ से एक्स बाय थ्री, तो ये एक्स बाय थ्री और 5:3 इक्वल होने चाहिए, 3 से 3 कट गया, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आज मैं आपको कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, ऐसे ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसमें आप छोटे छोटे सारे एग्जाम के क्वेश्चन को जो ना ओरली सोल्व करना सीख जाओ, ठीक है। हाई लेवल के तो हम आगे करेंगे, हर क्वेश्चन करेंगे हम, हर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, बट आज का लेक्चर बेस होगा सिर्फ आपके बेसिक क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपका बेस भी बन जाए प्रॉफिट लॉस का, आपको कुछ चीज़ों का पता भी लग जाए, और जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं एमटीएस का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, या कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो देखो इस लेक्चर को, आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज एक्स रेशियो वाई, अब की बार इसने खुद नहीं दे दिया रेशियो, ये क्या है आपका सी पी और एस पी का रेशियो दे दिया इसने एक्स बाय वाई, ठीक है। और कहता है वाई इज 150% ऑफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, यहाँ पे क्या कहता है वाई जो है ना वो किसके इक्वल है 150% ऑफ एक्स, तो मुझे बताओ यहाँ से वाई बाय एक्स आपका 150/100 नहीं आ गया क्या, 3/2 आ गया, तो बताओ यहाँ से एक्स बाय वाई कितना आ जाएगा आपका 2/3, और ये एक्स बाय वाई यहाँ पे पुट कर दो कितना है 2/3, यानी कि सी पी कितनी है आपकी 2 रुपये और एस पी कितनी है 3 रुपये, आप बताओ लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते, फिर 2 का सामान आपने 3 में बेच दिया तो कितने का परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 15% का प्रॉफिट, 50% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है 50% इसका आंसर आएगा। तो बस यहाँ से आप इक्वेशन में डालो, और ये जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो निकाल लो, दोनों जगह एक्स और वाई है, ये भी एक्स बाय वाई, ये भी एक्स बाय वाई है ना, वाई बाय एक्स, तो दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब है आपका टाइप 3, इसमें मैं आपको बस ये लास्ट टाइप करवा रहा हूँ आज के लेक्चर का, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। देखो आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, उसमें अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए स्पेशली, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की जो कैलकुलेशन की जाती है वो हमेशा किस पे की जाती है, सीपी पे की जाती है, ठीक है, ये एक बेसिक फंडा है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि एसपी पे करके बताओ, तो हम एसपी पे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एसपी पे करने का मतलब क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई चीज़ हमने 100 रुपये पे खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, और उसको हमने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, कितने बेच दिया बच्चों 25% के प्रॉफिट, तो मुझे बता दो एसपी कितना हो गया, आपको हो गया सर 125 रुपये, ये तो कोई भी बता देगा 125 रुपये। अब ये कहता है, अब ये दुकानदार सोचता है कि मैं अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना चाहता हूँ किस पे, एसपी के ऊपर, ठीक है। पहले मेरे को बताओ प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, यही तो निकालते थे है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, प्रॉफिट कितना हो गया 100 रुपये पे, 25% कितना होता है 25 रुपये। लेकिन अब आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हो किस पे, ऑन एसपी, तो बस क्या दिक्कत है, यहाँ सीपी की जगह क्या रख दो, बस एसपी रख दो, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी, है ना। देखो प्रॉफिट कितना हुआ 25, एसपी कितना है आपकी बार 125 इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20%, यानी कि अगर आपने सीपी पे 25% का प्रॉफिट कमाया है, तो वही प्रॉफिट अगर एसपी के अगेंस्ट निकाला जाए तो वो 20% आएगा, ठीक है। बट एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना, मैं बताता हूँ एग्ज़ाम में कैसे करना है, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है ये, यूँ लगा लो, ठीक है। इसमें देखो 25% आपको क्या गिवन था, प्रॉफिट गिवन था, सीपी की बात कर रहे हैं हम, है ना, सीपी के ऊपर 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। आप मुझे बता दो जब सीपी के ऊपर प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है तो उसका मतलब क्या होता है, आपको पता है ये क्या होती है सीपी और ये क्या होता है प्रॉफिट, तो क्या आप यहाँ से एसपी नहीं निकाल सकते, 4+1 कितनी हो जाएगी 5, तो यानी कि आपको किसकी कैलकुलेशन करनी थी, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। अब बताओ एसपी प्रॉफिट कितना 1, एसपी कितना 5, तो 1/5 क्या होता है आपका 20% ही तो होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे लॉस भी गिवन हो सकता है।
आपको लॉस दे देगी 16 and 2/3% का क्या है बच्चों, लॉस है, ठीक है। तो बताओ कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करो लॉस परसेंट ऑन SP। देखो जब भी आपको लॉस परसेंट गिवन होता है ना, तो आपको वो CP पे ही मानना है, अंडरस्टूड है, ठीक है। स्पेशली आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट करके बताओ कि SP पे कितना लॉस परसेंट होगा, तो मैं निकाल लेता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, 1/6 है ना, ये क्या है आपकी CP, ये क्या है आपका लॉस। तो मुझे बताओ SP कितना हो गया, आप कहोगे सर 6 में से 1 रुपया घटा दो 5, तो लॉस परसेंट आपको निकालना है। किस पे निकालना है लॉस परसेंट, SP पे। तो लॉस परसेंट ऊपर क्या आएगा, लॉस, लॉस कितना 1 रुपया। अब की बार बस नीचे CP की जगह SP आ जाएगा, SP कितना है 5, तो 1/5 कितना होता है आपका 20%, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको CP से SP पे जाना हो तब भी निकाल सकते हो, और SP से CP पे जाना हो तब भी निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, आपको ये कह दे कि प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट परसेंट ऑन SP इज 40%, कि SP के ऊपर जब आपने प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन करी तो वो 40% निकल के आई, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट CP पे कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट ऑन CP कितना होगा, या फिर ये कह देना ये एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, या ये भी पूछ सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है जो प्रॉफिट अपने को CP के ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन ये किस पे दे रखा है आपको, SP पे। तो निकालें, SP से CP पे कैसे जाएंगे बताओ, 40% का मतलब क्या होता है बताओ, पहले तो 2/5 होता है प्रॉफिट है, और वो भी किस पे, SP पे, तो ये फिर क्या होगी, SP होगी, और ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मुझे बता सकते हो कि CP कितनी होगी, आप कहोगे सर 5 में से 2 रुपये घटा दो, 3 रुपये की वस्तु हम खरीद के लेके आए होंगे, CP 3, प्रॉफिट कितना 2, क्या प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कितना आ गया आपका 2/3 × 100, और 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 66 and 2/3%, ठीक है, आंसर आ गया आपका। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, चाहे आपको SP से CP पे जाना हो और चाहे CP से SP पे जाना हो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब मैं 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर। द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 20%, देखो क्या कहता है, द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी कि ये SP के ऊपर प्रॉफिट दे रखा है आपको, स्टेट द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑन CP, एक्चुअली में प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन हमेशा किस पे करनी चाहिए, CP पे करनी चाहिए, ठीक है, तो वो निकालना है अपने को। तो देखो 20% का मतलब क्या होता है बताओ, 1/5, अच्छा ये 1/5 प्रॉफिट तो है लेकिन किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो जो ये नीचे वाली वैल्यू है क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो मुझे बताओ CP कितना हो जाएगा फिर, 5 में से 1 गया 4, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा बताओ, फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट मैं लिख रहा हूँ अपॉन CP × 100%, प्रॉफिट कितना है 1 रुपया, और CP कितनी 4 रुपये, 1/4 का आंसर कितना होता है, 25% होता है, कितना होता है 25%। तो 20% प्रॉफिट है अगर सेलिंग प्राइस पर, तो वही प्रॉफिट अगर हम कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट कैलकुलेट करें तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होएगा, 25% होएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, ए वॉच इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 33/1/3%, 33/1/3% का मतलब होता है 1/3 लॉस पे बेची गई है, और कुछ नहीं कह रखा आपको कि ये लॉस CP पे है कि SP पे। तो मैंने बता रखा है आपको कि जब कुछ भी ना कहा जाए तो हमेशा किस पे कंसीडर करते हैं, CP पे, ठीक है, जो हम आज तक करते आए हैं। तो बताओ यहाँ से ये जो 3 रुपये है ये क्या है आपका CP, और 1 रुपये क्या है आपका लॉस है, तो बताओ SP कितना हो गया फिर, SP कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया। फाइंड द लॉस परसेंट, इफ़ द लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड एट द सेलिंग प्राइस देन फाइंड द लॉस परसेंट, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है बस। तो क्या लिखेंगे हम, लॉस परसेंट ऑन SP, तो बताओ लॉस कितना है 1 रुपये का, SP कितना 2, तो कितना आ गया ये 50% आ गया, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 16 and 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट जो है ना वो सेलिंग प्राइस पे है, आपको क्या निकालना है इसका, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो देखो ये क्वेश्चन हमने नहीं, ये अलग है, 16 and 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, और ये प्रॉफिट किस पे है, SP पे, तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है SP, और ये क्या है प्रॉफिट। तो बताओ यहाँ से आप CP निकाल सकते हो 5 रुपये, CP कितना हो जाएगा 5 रुपये, प्रॉफिट कितना है 1, यानी कि 5 रुपये पे 1 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी ये क्या है आपकी CP है, 5 रुपये पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया बताओ, 20% हो गया ना, ये तो कोई भी बता देगा, तो कितना हो गया आपका 20%, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ए मैन सेल्स हिज गुड एट 25% लॉस
ओन सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको 25% का लॉस तो होता है लेकिन किस पे, सेलिंग प्राइस पे होता है। फाइंड हिज लॉस परसेंट, अगर कुछ भी ना कह रखा हो तो लॉस परसेंट का मतलब क्या होता है, लॉस परसेंट ओन क्या निकालो आप, सीपी निकालो, है ना। और वैसे भी आप समझ गए एसपी पे दे रखा है और एक्चुअल निकालना है, मतलब कि सीपी पे निकालना है। तो बताओ 25% का मतलब होता है 1/4, एसपी पे दे रखा है मतलब ये क्या है एसपी और ये क्या है आपका लॉस। तो बताओ सीपी कितनी होगी, 5 रुपये होगी क्या, 5 रुपये होगी, और आपका लॉस कितना है 1 रुपया, तो लॉस परसेंट कितना हो गया बताओ, 20 रुपये हो गया, सॉरी 20% हो गया, और 20% इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट, मैंने आपको 2 कंसेप्ट करवाए हैं, ये आपको समझ आए होंगे। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।